हेलो एवरीवन, मस्त श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जनाब कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइस, ये हर एक मुस्लिम के दिमाग में ये चीज़ चलती ही रहती होगी, और जो नॉन मुस्लिम है, जो इस्लाम को जानते भी हैं थोड़ा बहुत, उनके दिमाग में भाई ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। वो है दज्जाल से रिलेटेड, हजरत ईसा अलैहि सलाम से रिलेटेड, इमाम मेहंदी से रिलेटेड, और दज्जाल और यजूज मजूज से और आज रिलेटेड, है सभी के ना। सभी आंसर मिलेंगे वो भी बाय इंजीनियर इंजीनियर मोहम्मद मोहम्मद अली अली मिर्ज़ा की मिर्ज़ा तरफ से जी। इनकी वीडियो की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि इनकी वीडियोज़ बनाओ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी की हाँ, इनकी वीडियो बनाओ। रिक्वेस्ट काफी हम आती पहले हैं। बनाया करते थे अपने पुराने चैनल पे, तो इनका कमेंट भी आता था, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की टीम की तरफ से हाँ आता होगा डेफिनेटली, तो कमेंट भी आता था कि अच्छी वीडियोज़ बना रहे हो आप, है ना, हार्ट बना के भेजते हर एक वीडियो पे। तो बाकी आज की वीडियो ये यस, होने वाली है हज़रत इमाम मेहंदी के ऊपर, वो कब आएंगे, उन्हें ज़ुहूर कब होगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल, सारे के सारे कंसेप्ट आपस में इंटरलिंक करते हैं ना, क्योंकि एट द टाइम ऑफ क़यामत की है ये सारी की सारी निशानियां चीज़ें जो भी यस हैं, तो फिर यस इस करके। सो फिलहाल इस वीडियो को गाइस प्ले करते हैं और फिर करते हैं बाकी बात डिस्कस। चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियोस सजेस्ट करते रहो गाइस, कैसी वीडियोस आपको चाहिए। सो फिलहाल इसको करते हैं प्ले। इमाम मोहम्मद महदी दज्जाल को कत्ल करने पर गालिब नहीं होंगे, अल्लाह ताला ईसा इब्ने मरियम के जरिए उस दज्जाल को कत्ल करवाएगा। अल्लाह चाहे तो किसी चिड़िया से भी करवा सकता है, लेकिन ये अल्लाह ताला ने एक अपना प्लान बनाया है कि जो झूठा मसीह है उसको कत्ल करने वाला सच्चा मसीह होगा, और ज्यूस के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से अजाब का आखिरी कोड़ा ईसा इब्ने मरियम खुद बरसाएंगे। क्यों? बनी इसराइल के केस में दो उरूज के बाद दो जवाल आए और दैट्स ऑल, लेकिन इस उम्मत में दो जवाल कंप्लीट होने के बाद फिर आखिर में दोबारा से तीसरा उरूज आएगा, और वो इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी रदियल्लाहु तआला अन्हु अलैहि सलाम की सरकर्दगी में होगा, जिसकी बिशारतें कुरान और सुन्नत में मौजूद है। कुरान में इशारतन जिक्र है, कम से कम तीन मकामात पे अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। वही अल्लाह है जिसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलहुदा यानी कुरान के साथ मबूस किया और दीन हक के साथ, ताकि इसे तमाम अदियान पर गालिब कर दे, खा काफिर और मुशरिक इस बात का बुरा ही मान जाए। अभी तक इस रुए अर्ज ने यह मंजर नहीं देखा कि पूरी दुनिया पे इस्लाम का गलबा हो, लेकिन कुर्बे क्यामत में, क्यामत आने से पहले पहले एक दफा पूरी दुनिया पर इस्लाम का गलबा होगा, दोबारा से खिलाफत राशिदा कायम हो जाएगी। मुसनद आमद में हदीस मौजूद है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जब तक चाहेगा मैं तुम में मौजूद रहूंगा, तुम में नबूवत बाकी रहेगी, फिर अल्लाह ताला मुझे अपने पास बुला लेगा, मेरे बाद खिलाफत अला मिनहाजिन नबुवा कायम होगी, जो अबू दाऊद और तिर्मिजी में आया कि 30 साल तक होगी। उसकी तफसीलात भी आई, अबू बकर के 2 साल, उमर के 10 साल, उस्मान के 12 साल और अली के 6 साल रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन व अलैहिमुस्सलाम अजमाइन। और उन 6 सालों में 5.5 साल हजरत अली के हैं और 6 महीने हसन इब्न अली के। फिर मुसनद अहमद की हदीस में आगे आता है कि खिलाफत अला मिन हाजिन नबुआ के बाद काट खाने वाली मलूकियत का दौर शुरू हो जाएगा, और वो भी उस वक्त तक रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा, फिर अल्लाह ताला उसे भी उठा लेगा, फिर तुम पर जाबिर हुक्मरानों का गलबा हो जाएगा, और वो भी जब तक अल्लाह चाहेगा वो गलबा बाकी रहेगा, और फिर उसके बाद दोबारा से खिलाफत अला मिनहाज नबुआ कायम होगी। यानी ये 5 अदवार का जिक्र मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम का मुबारक दौर, उसके बाद खुलफाए राशिदीन का दौर, फिर काट खाने वाली मलूकियत, फिर जाबिर हुक्मरान, और 5वां दौर
जो अल्टीमेट खिलाफत राशिदा वापस आएगी। आज हम जिस एरा में हैं, हम माजी में जाके ये अदवार गिनवा सकते हैं। नबी इस्लाम का मुबारक दौर 11 हिजरी में मुकम्मल हुआ, उसके बाद 30 साल खिलाफत रही, सुलह हसन 41 हिजरी में हुई, एग्जैक्टली 30 ईयर्स के बाद। दूसरा दौर भी ख़त्म हुआ, 41 हिजरी से बनू उमैया की मलूकियत शुरू हुई, काट खाने वाली मलूकियत, वो ऑलमोस्ट 90 साल तक रही। फिर दूसरी सदी हिजरी के अंदर बनू अब्बास का गलबा हुआ, वो भी काट खाने वाली मलूकियत ही थी लेकिन एक दूसरे खानदान की, और वो सिलसिला कई सौ साल तक जारी रहा। और इसमें मुसलमानों पर उरूज व जवाल का सिलसिला रहा, आपस में भी तवायफुल मुलूकी हुई, ये सब कुछ होता रहा। इसी दौरान जो मुसलमानों पर तातारियों का एक आजमाइश वाला मामला हुआ, उसके बाद दोबारा से अल्लाह ताला ने गलबा दिया उस्मानियों के जरिए से, तातारियों ने ही हक कबूल कर लिया, और फिर अल्टीमेटली ये जो मुलूकियत है इसका खात्मा हुआ, और जाबिर हुक्मरान मुसलमानों के ऊपर मुसल्लत हुए, जो जबरदस्ती हुक्मरान बन गए, यानी कॉलोनियल पावर्स। कहीं पर फ्रेंच आ गए, कहीं पर ग्रेट ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया, और ये जाबिर हुक्मरान बिल आखिर काफी हद तक मुसलमानों से टल गए वर्ल्ड वार टू के बाद, जब मुसलमानों के दोबारा से अब ऑलमोस्ट 58 मुल्क बन चुके हैं। वरना अगर आप वर्ल्ड वार वन के करीब देखें तो एक सल्तनत उस्मानिया ही बची थी, वो भी ख़त्म हो गई। सब कॉन्टिनेंट पे तो ग्रेट ब्रिटेन का कब्जा पहले ही हो चुका था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मुल्क बनने शुरू हुए, इंडोनेशिया, मलेशिया, मिस्र, यहाँ पे पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान में से ही बांग्लादेश भी निकला, अफगानिस्तान भी काफ़ी हद तक मामला बेहतर हुए, ईरान तो खैर पहले भी उस तरीके से महकूम नहीं हुआ था, लेकिन बहरहाल इनकलाब तो 1979 में आया। इस तरीके से दूसरे जो अरब मुल्क हैं वो भी आज़ाद हुए, अफ्रीका में कितने अरब मुल्क बन गए, यानी कॉलोनियल पावर्स का जो एक गलबा था वो ढीला पड़ा। अब ये जो एरा है, ये खिलाफत अला मिनहाज नबुआ जो दोबारा कायम होनी है उसकी तरफ जा रहा है, यानी एक ट्रांजिशन पीरियड है। यानी ये तो नहीं होता कि आप रात को सोएं और एक एरा ख़त्म हुआ है और दूसरा शुरू हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता उसमें कन्वर्ट होता है, उसकी तरफ अब ये मामलात रवा दवा हैं। अब वो अल्लाह की मर्जी है कि वो 100 साल में वहाँ तक बात पहुँचे, या 500 साल में पहुँचे, या 1000 साल में पहुँचे। बहरहाल ये अब आखिरी दौर की तरफ हम जा रहे हैं, बाकी सारे अदवार हम देख चुके हैं। मुसनद अहमद में एक और हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के दुनिया के हर घर में मेरी दावत पहुंच ना जाए और लोग चाहते हुए या ना चाहते हुए उसे कबूल ना कर लें। आज सोशल मीडिया की बरकत से, इंटरनेट की बरकत से ये बात समझना आसान है कि दुनिया के हर कोने तक इस्लाम की हकीकत पहुंच चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। शायद चंद एक कोई जंगलात बाकी रह गए हों, अदरवाइज जितनी भी सिविलाइज्ड जगह हैं वहां पर ये हक खुल चुका है। इस हवाले से मुसलमानों का रिलीजन लोगों में इंट्रोड्यूस हो चुका है, और खुसूसन जब से ये पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 से इसराइल का और हमास का कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, उसके बाद से तो पूरी दुनिया की खबरों में, मेन खबरों में ये चीज़ें डिस्कस होती हैं, बनी इसराइल वर्सेस मुस्लिम्स, ज्यूज़ वर्सेस मुस्लिम्स, और उससे ज़्यादा रिलीजन वाला मामला सबके सामने आ रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस हक को पूरी दुनिया तक इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पहुंचा दिया है। अब जिसकी मर्जी वो मजीद तहकीक करे और हक की तरफ आए। 11 सितंबर 2001 के बाद जिस तरीके से मुसलमानों पर पाबंदियां लगाई गईं, अल्लाह ताला ने उस शर्म में से भी खैर निकाला और नॉन मुस्लिम्स को इस्लाम का तारुफ हुआ।
उसके बाद तो बहुत तेजी से लोग इस्लाम को स्टडी करके पर्पस ऑफ लाइफ तक पहुंचे, खुदा का तारुफ हुआ लोगों को, और कुरान को स्टडी किया, हक बात को कबूल किया। हर शर में से कोई ना कोई खैर निकलता है। अभी ये फलस्तीन वाले जो मामलात हुए हैं, इसके बाद कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। एटलीस्ट यूरोप अमेरिका में लोगों के दिमाग खुले हुए हैं, वो जब किसी तहकीक में पढ़ते हैं तो कोई ना कोई रिजल्ट जरूर निकाल लेते हैं, और जो हक के मुतलाशी हैं वो हक तक पहुंच जाते हैं। सुनन नबी दाऊद के अंदर और मुसनद अहमद के अंदर कई एक अहादीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि मेरी बेटी फातिमा की औलाद में से एक शख्स न पैदा हो जाए मेरे ही नाम पर जो पूरी दुनिया को इंसाफ से भर देगा। इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक 12 सही इस्नाद अहादीस मैंने मुख्तलिफ वीडियोज में कवर की हैं। आलमोस्ट कोई 1-1.5 साल पहले जब बनू मैया के एक बंदर ने इमाम महदी की गुस्ताखी की थी तो मैंने दोबारा से उस चीज़ को डिस्कस किया था। इमाम महदी की गुस्ताखी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा लिखे, तो वो सारी अहदीस उस लेक्चर के अंदर मैंने बयान की हुई है। बुखारी और मुस्लिम में भी इशारतन मौजूद है, नबी रसलाम ने फरमाया, तुम्हारी उस वक्त क्या शान होगी कि जब ईसा इब्ने मरियम तुम में उतरेंगे, स्लीब को तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल कर देंगे और जिजिया मौकूफ कर देंगे और पूरी दुनिया में अमन होगा और वो आदिल हुक्मरान की हैसियत से मुसलमानों में उतरेंगे। और तुम्हारी उस वक्त क्या शान होगी कि जब तुम्हारा इमाम तुम्ही में से होगा। अब ये इमाम का तर्जुमा दो तरह से किया गया है। एक तर्जुमा ये किया गया कि जो मुसलमानों का अमीर है उसके पीछे हजरत ईसा इब्ने मरियम नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि मुस्लिम शरीफ में आता है कि इकामत हो चुकी होगी, मुसलमानों का अमीर कहेगा कि आप नमाज पढ़ाएं तो वो कहेंगे कि नहीं, ये फजीलत उम्मत मुहम्मदिया को अल्लाह ताला ने दी है, तुम में से बाज बाज के इमाम होते हैं, मैं तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ूंगा। और इमाम का एक तर्जुमा यह भी किया गया कि तुम्हें गाइड करने वाली चीज तुम ही में से होगी, यानी कुरान और सुन्नत, क्योंकि वो भी इमाम है, यानी वो तुम्हारी शरीयत के मुताबिक चलेंगे, वो नई शरीयत नहीं लेके आएंगे, वो उम्मती बनकर आएंगे, उम्मती नबी नहीं बन के आएंगे, उम्मती बनकर, नबी वो पहले से है। यही दज्जाली धोखा दिया गुलाम अहमद कादियानी ने कि उसने कहा कि जब आप लोग बनी इसराइल से एक उम्मती नबी उधार ले रहे हैं तो मैं तो खुद रसुल्ला की उम्मत से हूं तो मुझे क्यों नहीं ले रहे, मेरी खिदमत हासिल करें। तो हमने बनी इसराइल से कोई उधार नबी नहीं लिया, वो उम्मती नबी नहीं है बल्कि वो नबी पहले से हैं, उम्मती बनकर आएंगे, नबूवत छीनी नहीं होगी, नबी उम्मती हैं वो, उम्मती नबी नहीं है। ये अल्फाज के फर्क से इस दजल को एड्रेस किया जा सकता है। सो गाइस, ये है वीडियो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी की। और इनका कहना तो ये है कि जब मतलब कि वो आएंगे, इमाम मेहदी आएंगे, वो दज्जाल को नहीं मारेंगे, हजरत ईसा जो है वो दज्जाल को मारेंगे। एक असली जो नबी है वही एक झूठे नबी को जो है वो मारेगा, है ना। और दूसरी बात ये कि बाकी भाई आप सभी को पता है कि ये सब वीडियोस हम देख ही चुके हैं बहुत बार कि कब उनका जहूर होगा, क्या क्या उस टाइम पे निशानियां होगी जब क़यामत आने वाली, क्योंकि ये सब निशानियां ऑलमोस्ट हो रही हैं। हाँ, ये क़यामत के टाइप ही होगा, तो वो निशानी जो है वो धीरे धीरे हो ही रही है। ये भी कह रहे हैं कि हम इस ईरा की तरफ बढ़ रहे हैं ना, ईरा एकदम से नहीं आ जाएगा वो कि आज रात को नहीं तो कल लग जाए, और धीरे धीरे जो है ईरा की तरफ हम जा रहे हैं। आप सभी को पता है भाई निशानियां कैसे कैसे वो बढ़ती जा रही हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही है, जो निशानियां बताई हैं वो ये चीज़ें पूरी होने के कगार पे आ रखी हैं। तो इसका मतलब क्या मत नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए हमें समझना पड़ेगा, हमें संभलना पड़ेगा, सो दैट ये सब जल्दी ना हो सके और एट दी एंड हमें जन्नत मिले, है ना। सो बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो गाइस। अगर आप चाहते हो हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी की और ज़्यादा वीडियोज़ बनाएं तो ज़रूर कमेंट करके बताना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।